दादा टोल नाका बंद केलता ना मग बट्टी पट्टी गेलो बर मग अरे फाडायचा आला रस्तो कुठे चांगला टोल घ्यायला काय अवघड बाबा या अशी जनता खोड्याला ओढ्याचा प्रकार आहे. नमस्कार मैं कोल्हापुरकर ऋषि आपले स्वागत है माझ्या चैनल मध्ये. और हम जा रहे हैं अभी आज ईश्वरपुर यानी इस्लामपुर में हमारे ये गाड़ी के पांचों टायर चेंज करने के लिए स्टेपनी सहित. उधर क्यों जाने वाले हैं? विपिन पटेल नाम का हमारा एक फ्रेंड है, उनके रिश्तेदारों के उधर गणेश ट्रेडर्स अपोलो टायर्स ऐसे नाम से उधर एक शॉप है इस्लामपुर में. तो उधर जाके हम व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग और पांचों टायर चेंज करेंगे. उधर जाने का मकसद यही है कि हमें कम से कम रेट में टायर मिल जाए, तो हम जाएंगे उनका रेफरेंस लेके टायर कैसे चेंज करते हैं, व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो पूरा दिखाएंगे. उसके बाद ये जो हमारा कैमरामैन है कोल्हापुरी कीड़ा, इनके एक फ्रेंड उधर मिलने के लिए आने वाले हैं. उधर जाके क्या खाने के देने वाले हैं, यानी कौन से कैफे में लेके जाने वाले हैं मालूम नहीं, लेकिन आज स्पॉन्सर्ड ये है. खाली मैं गाड़ी के टायर चेंज करने के लिए उधर जाने वाला हूँ और वो सब कुछ हम अभी आज वीडियो में देखेंगे. तो ये हम पहुंच गए अभी टॉप जगह पे, सीए का फाटा बोलते हैं इसको, NH 48 हाईवे. इधर देखो कोल्हापुर में अंदर आने वाले लोग यानी मुंबई पुणे के लोग जो कोल्हापुर में आते हैं उनके लिए रास्ता है. उधर कितना प्रॉब्लम है रास्ते में. इधर भी देखो बाहर जाने के लिए भी जो रास्ता है ये पूरा मार्स पे आने जैसा लग रहा है मुझे. तो इसकी मरम्मत क्यों नहीं की जाती टाइम टू टाइम, और ये इतना खराब हो गया रास्ता. तभी भी अभी देखो कैमरा कैसा हिला रहा है हमारा कैमरा मैन खुद हिल रहा है. तो इसकी मरम्मत क्यों नहीं की जाती है? डेंजरस है रोड इतना, जो कोई भी आता जाता होगा ये रोड से तो ध्यान रखिए, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, उसमें गाड़ी पाताल के अंदर ना ढस जाए. हम पहुंच गए हैं किन्नी के टोल नाके पे जो बंद किया था परसों, 15 दिन हो गए तभी भी टोल चालू है इधर. इसके लिए हम थोड़ी सी जांच पड़ताल करेंगे. क्या लफड़ा है भाई, दादा टोल नाका बंद केलता ना मग बट्टी पट्टी गेलो 20 किलोमीटर बर मग शिरुली तीनशे पंधरा भरायचे आणि अरे फाडायचा आला रस्तो कुठे चांगला टोल घ्यायला काय अवघड बाबा या अशी जनता खोड्याला ओढ्याचा प्रकार आहे. टोल नाके का झमेला कुछ समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि रोड तो अभी कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसके ऊपर टोल बिठा रही है. उधर कर्नाटक में कोगनोली पे एक टोल नाका है, दूसरा टोल नाका किन्नी पे है, तीसरा टोल नाका उधर कराड़ के नजदीक है. ऐसे तीन तीन टोल नाके हैं और 65 रुपये या मुझे लगता है 65 रुपये यदि आपके पास फास्टैग होता होगा तो 65 या 70 रुपये कुछ तो लेते, और फास्टैग नहीं रहेगा तो 130 रुपये ऐसा कुछ तो है उनका रेट. लेकिन ऐसा नहीं चलेगा ना भाई, ये रोड जब पूरा तैयार हो जाएगा उसके बाद आप टोल वसूल करिए ना. नितिन गडकरी जी आप यदि ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा टोल लेना ये गलत है, ये लोगों के जनता के जेब पे डायरेक्ट डल्ला मारने के जैसा है, यानी उनके जेब पे डाका डालने के जैसा है. ऐसा मत कीजिए, रास्ता पूरा क्लियर तैयार होने दीजिए उसके बाद टोल वसूल कर दीजिए. अभी मुझे समझ में नहीं आता, मैं जब छोटा था उस टाइम से ये टोल नाका इधर चालू है और अभी भी चालू है जब ये रास्ता पूरा खराब हो गया है. तो प्लीज रिक्वेस्ट आप ये टोल नाका का झमेला पूरा बंद कर दीजिए. जब मैं ये गाड़ी लेता हूँ उसके ऊपर आप रोड टैक्स लेते हैं, क्योंकि मैं ये गाड़ी रास्ते पे चला सकूँ वो रास्ता अच्छा होने के लिए. तो रोड टैक्स उसके ऊपर फिर टोल, गाड़ी लेके हम गलती करते हैं क्या क्या पता नहीं होता है. One eternity later. अभी हो गया ऐसा, टायर चेंज करने के लिए आए, हॉल भी खराब हो गया. ये शुरू हो गया हमारा व्हील अलाइनमेंट, अभी टायर तो बिठा दिए, उसके बाद इसके ऊपर ऐसे एक सेंसर लगाया जाता है, ये मशीन उसको सेंस करता है और ये इधर बताता है कि कौन से एंगल पे अलाइन नहीं है, थोड़ा सा मिस अलाइन हो गया है. और उसके बाद इधर नीचे मिस्त्री है वो व्हील को प्रॉपरली अलाइन कर रही है. अभी इधर क्या दिखा रहा है, ये पीछे वाली व्हील है दोनों, ये अलाइन हो गया है, इतना टॉलरेंस रहता है उसमें. और ये वाला व्हील अभी अलाइन नहीं हुआ है, इतना थोड़ा सा डिस अलाइन हुआ है. और ये अभी अलाइनमेंट चालू है, ये भी आएगा अंदर थोड़ा थोड़ा, माइनस 0.1
सॉरी माइनस 011 कुछ तो है इसका डिग्री, उसमें अभी दिखा रहा है, और ये प्लस 031 डिग्री दिखा रहा है। मेरे को छोड़ के जा रहा है, इसकी फ्रेंड इधर आ गई है, उधर वो शॉप में कुछ तो कर रहे है, उसकी गाड़ी लेके आया है इधर। भाई बहुत बड़ी बड़ी पहचान है, बहुत दूर दूर तक पहुंच गया है आदमी, लेकिन हम देखो कोल्हापुर के बाहर नहीं गए, इसलिए हिंदी में अभी हमारा जो कुछ भी कंटेंट है वो हिंदी में डाल रहे हैं। ये अपना रिपोर्ट आ गया इधर, रिपोर्ट कार्ड, तो इधर 31 दिखा रहा था, ये चालणार काय? फ्रंटला 0.31 आहे, ते तेवढं चालते हॉस्पिटल है। इसके बराबर सामने थोड़ा सा इधर एक मिडलैंड होटल नाम से एक होटल है, उसके बगल में अपोलो टायर्स का गणेश ट्रेडर्स नाम से शॉप है, इधर आप आके अपना गाड़ी का टायर चेंज कर सकते हो। अच्छी डील मिलती है इधर। गाड़ी लगाई और इसने मुझे लाया है किधर? भाऊ साहब कैफे में जाने वाले है, जैंट के नजदीक है, बढ़िया एम्बियंस लग रहा है। वाह 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 वाह, तरी हो भाऊ आज स्पॉन्सर आहे, काही पण मागा म्हटलंय। सगळ्यात शेवटची लिस्ट कुठली असेल ते आपण घ्यायचं काय? मेनू कार्ड येईन का? कॉफी विथ आईस्क्रीम आईस केक बू देखो देखने लायक आहे। ठीक है, देखेंगे हम हमारे आरोग्य को क्या अच्छा है क्या नहीं है और उनको ऑर्डर देंगे। One hour later. आओगे तो वो जो कैफे मैंने बताया वो कैफे में आप जा सकते हो, एक नंबर लाजवाब ऐसा खाना पीना मिलता है। आणि आम्ही आता चाललो आहे कामेरी रोड से, उसके पीछे का रीजन है कि उधर का रोड तो अच्छा था, इधर का रोड भी अच्छा है देखने के लिए, लेकिन सामने देख सकते हो कि मैंने पहले आते वक्त बोला कि भाई इस्लामपुर के रास्ते रोड अच्छा है, लेकिन एक कोल्हापुर से भी बदतर दिख रहा है। ठीक है, कोल्हापुर से बेटर है लेकिन चलेगा। एक मेरा सजेशन है कि कौन से भी गांव आप घूमने के लिए गए, कुछ काम के लिए गए, तो एक रोड से अंदर जाओ और दूसरे रोड से बाहर आ जाओ, तो आपका पूरा एक्सप्लोरेशन हो जाएगा, सभी रोड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक ही रोड से जाओगे, एक ही रोड से आओगे, तो आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि रोड कैसा है क्या है। कई बार क्या होता है, बहुत से रोड काम के हिसाब से बंद रहते हैं, चालू रहते हैं, तो दूसरा रोड भी हमें मालूम होना चाहिए ताकि हम ओ रोड बंद है तो ए रोड से जा सकते हैं। अभी इधर आप देख सकते हो कि इधर रोड का कंस्ट्रक्शन चालू है, लेकिन इधर से आगे हाईवे हो गया है ऐसा हमें वो फ्रेंड ने बताया है। अभी देखेंगे 100-150 मीटर हमें अभी एक गंदा वाला पैच लगेगा। हाँ, काम चालू है रोड का, बढ़िया है यार, ऐसा काम चालू भी दिखना बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक लगता है मुझे रास्ता रोड खराब था, आगे देख पा रहे हम कि भाई बहुत बढ़िया हाईवे जैसा कॉन्क्रीट का रोड है, और एक कामेरी तक ऐसा ही रोड है ऐसा बताया उन्होंने। देखेंगे अभी ये कामेरी तक ऐसा रोड है क्या, ये रोड ऐसा ही कामेरी तक होगा तो भाई बहुत टाइम बच जाएगा, बहुत किलोमीटर बच जाएंगे इस्लामपुर में आने के लिए। बहुत बढ़िया है रोड। फाइनली हम पहुंच गए कामेरी में, इधर देख सकते हैं कि कामेरी का हाईवे का स्पॉट जो है उधर हम पहुंच गए, उधर तक जबरदस्त रोड है, जबरदस्त।